अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान और मैं हूं बुशरा हक। सबसे पहले CNBC पाकिस्तान की पूरी टीम और बुशरा हक की जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप कि आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। हमारी भी एक छोटी सी कोशिश है कि आपकी ईद को और अच्छा बना दें अपने इस ईद स्पेशल शो में जिसका नाम है मीठी ईद। क्योंकि नाज़रीन ये ईद मीठी है इसलिए हमने इसका नाम, अपने प्रोग्राम का नाम भी मीठी ईद ही रखा है। आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में आज कुछ ऐसी ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं, मतलब एक कुकिंग कॉम्पिटिशन है। इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में कुछ ऐसी ख़वातीन हिस्सा ले रही हैं जो कि वर्किंग वुमेंस हैं, ठीक है, वर्किंग लेडी हैं जो बाहर काम करती हैं। आज हमने देखना है कि वो बाहर काम तो बहुत अच्छा कर ही रही हैं, घर में कुकिंग किस तरह करती है, उनके दरमियान मुकाबला होगा। आइए मैं आपसे उनका तारुफ करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको मिलवाऊंगी फरहाना से। अस्सलाम वालेकुम फरहाना, बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं फरहाना? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ईद मनाई जा रही है। तो फरहाना, आज आप आई हैं अपनी बेटियों के साथ, माशाल्लाह ट्विंस बेटियाँ। जी, मेरी ट्विंस बेटियाँ और ये मेरे साथ मेरी हेल्प करेंगी और मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए। माशाल्लाह हस्बैंड सपोर्ट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ कर? जी, इनको भी बहुत अच्छा लग रहा है। फरहाना, फरहाना बैठिए आप। अच्छा फरहाना से हम कुछ हटकर बात करेंगे आपकी एक्सपर्टीज़ के हवाले से। फरहाना का आपको बता दूं कि एक जिम है ना फरहाना? मेरा मैं जो हूँ एरोबिक एंड योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, मेरा अपना स्टूडियो है जहाँ पर मैं एरोबिक्स एंड हॉट योगा की क्लासेस देती हूँ। और आज फरहाना यहाँ पर अपनी कुकिंग एक्सपर्टीज़ के हवाले से बताएंगी कि वो कुकिंग किस तरह करती है। क्या लग रहा है फरहाना, आज आप जीतेंगी? कोशिश तो पूरी होगी। चले, कोशिश पूरी होगी। आपके हस्बैंड से थोड़ी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि कुकिंग कैसी करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी कुकिंग करती हैं घर पर? अच्छी कुकिंग करती हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या आज ये जीत जाएंगी? मेरे ख्याल से जीतना तो चाहिए इनको। अच्छा चलें, ये तो हो गया फरहाना का इंट्रोडक्शन और अब मैं आपको लेकर जाऊँगी अपनी दूसरी पार्टिसिपेंट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। हाँ, मेरे मुझे भी आपको ईद मुबारक कहना है, गले मिल के कह दो। हाँ हाँ बिल्कुल, गले मिलकर कह देते हैं। अच्छा तो आज आप हमें जो है यहाँ पर आपका भी मुकाबला होगा फरहाना से, उसके साथ साथ मैं अपने तीसरी पार्टिसिपेंट से भी आपको मिलाऊंगी। सबसे पहले इनसे तारुफ करवा दूँ आपका। आपके साथ कौन है आज? मेरी कज़न है, अफशीन नाम है। अफशीन, आपको बहुत बहुत ईद ईद मुबारक। कैसा लग रहा है अफशीन यहाँ? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो आप जिम कंडक्टर है ना, है ना? जी। क्या एक्सपर्टीज़ होती है वहाँ पर, क्या होता है, ख़वातीन को क्या सिखाना होता है, क्या करना होता है? डाइट के हवाले से हम थोड़ा सा गाइड करते हैं और बताते हैं उनको कि रोज़ रूटीन वर्क में आपने किस तरीके से कितनी कैलोरीज लेनी है और किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, वेट बेयरिंग मशीन्स वगैरह और एरोबिक्स के हवाले से बताते हैं। अच्छा चले, अब मैं नाज़रीन आपको लेकर जाऊँगी अपनी तीसरी पार्टिसिपेंट की तरफ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। अच्छा लग रहा है। अच्छा, इनके बारे में बता दूं कि ये इंटीरियर डेकोरेटर है, राइट? जी, इंटीरियर डिज़ाइनर। हाँ, इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो क्या क्या डिज़ाइन करती हैं आप? जी, मैं घरों का डिज़ाइनिंग की इंटीरियर करती हूँ और इसके अलावा मैं हैंडमेड वर्क्स वगैरह डिज़ाइन करती हूँ। अच्छा, तो आज आपके साथ कौन है कुकिंग के? जी, मेरी नीस हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है, आज जीत जाएंगी? इंशाल्लाह। आपने तो इनके हाथ के बने हुए खाने खाए हो। जी। कैसे खाने बनाती है? बहुत अच्छे, वो तो टेस्ट करने के बाद पता चलेगा। चले, हाँ बिल्कुल, टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। बैठे आप। जी नाज़रीन, ये तो हो गए हमारे पार्टिसिपेंट्स और अब आपको ये बता दूं कि इस कुकिंग कंपटीशन को जज मैं नहीं करूंगी बल्कि जज करेंगी हमारी कुकिंग एक्सपर्ट जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे उनका थोड़ा सा तारुफ कराती चलूँ। वैसे तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आपने उनको देखा ही है, मॉर्निंग शो से उन्होंने स्टार्ट लिया और 8 साल से वो इस फील्ड में काम कर रही हैं। डिफरेंट जो सेगमेंट्स होते हैं, ब्रांडिंग सेगमेंट्स, उनका स्टार्ट भी उन्होंने ही लिया। जी, कोई और नहीं बल्कि आज हमारे साथ मौजूद है समीना जमेली। अस्सलाम वालेकुम समीना, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत। कैसा लग रहा है समीना? बहुत अच्छा और लग रहा है। कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है, यहाँ के तो मुझे बहुत ही मजा आ रहे हैं। अच्छा, मजा आ रहा। तमाम देखने वालों को और तमाम जितने मेरे पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हुए हैं उनको मैं बहुत बहुत ईद मुबारक कहूँगी, क्योंकि रमज़ान के बाद ये जो ईद आती है इसको बहुत भरपूर तरीके से मनाएं, क्योंकि ये हमारा इस्लामी त्यौहार है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। और एक तो पूरा एक महीना हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं, उसके बाद तो हमारा हक ही बनता है कि अच्छे तरीके से ईद मनाएं। अल्लाह ताला ने इनाम दिया है ये ईद हमें, तो ये इसको खूब भरपूर तरीके से मनाया करें, खुशियों के साथ ना, बहुत ना।
जी बिल्कुल जी। खुशियों के साथ ईद बनाएंगे। बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही है। ये तो खैर खवातीन का चलता ही रहता है, ये अगर नाक है तो पता कैसे चलेगा खवातीन। अच्छा चलिए समीना, अब आपकी इजाजत लेंगे और अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे। मुझे भी इंतजार है कि देखूं आज क्या पकने जा रहे हैं, ताकि मैं भी टेस्ट करूं आज का लंच अच्छा सा हो जाएगा। और हम देखेंगे हमारी जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो खाना पकाने में कितनी एक्सपर्ट। डेफिनेटली जब वो इतना अच्छा काम कर रही है तो कभी भी हर पीछे नहीं होंगी, वो कुकिंग में कभी भी पीछे नहीं होंगी, आई एम श्योर। बिल्कुल, वैसे तो समीना हमने देखा हमारी खवातीन किसी भी काम में पीछे नहीं होती है, तो कुकिंग है जो कि उनका फर्ज बनता है, खाना पकाना तो फर्ज ही बनता है, फर्ज ही बनता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती है ना, ये मेरी एक्सपीरियंस है मेरा ना, कि वो हर काम में माशाल्लाह बहुत परफेक्ट होती हैं और अपने काम को बहुत अच्छे से और बहुत मैनेज तरीके से लेके चल रही है, इसीलिए तो वो घर से बाहर निकल कर काम कर लेती हैं, अपना घर अच्छे से चला लेती हैं। चले बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, मेरी और समीना की तो बातें चलती ही रहेंगी, अभी प्रोग्राम में बहुत वक्त बाकी है। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इस कुकिंग कॉम्पिटिशन में हमारी जो जितनी भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सबसे पहले समीना स्टार्ट लेंगी मीठे डिश से, क्योंकि मीठी ईद है तो यकीनन, और डिश का नाम भी आपको बता दूँ वो होगा शीर कोरमा। और मज़े की बात ये कि तीनों जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो तीनों ही शीर कोरमा बनाएंगे। ज़ाहिर है देखिए, ईद जो होती है ना, ईद उल फित्र जो होती है, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, यानी पहली डिश जो होती है जो सुबह सुबह खाई जाती है, वो शीर कोरमा होती है। समीना, शीर कोरमा क्यों होती है? ट्राइफल भी तो मीठा होता है और भी ज़रदा भी होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम ज़्यादा जो फोकियत देते हैं वो शीर कोरमा क्यों देते हैं? एक्चुअली मैं तो, खुरमा क्या होता है, खुरमा जो होती है वो हम उसको छुआरों को कहते हैं, उनको भिगो दिया जाता है, फिर उसके बाद काट के इसमें शामिल किए जाते हैं, क्योंकि रमज़ान पर आपकी एनर्जी थोड़ी लूज़ हो रही होती है, उस एनर्जी को गेन करने के लिए हम जो है शीर खुरमा का इस्तेमाल करते हैं। सुबह सुबह शीर खुरमा खा के फिर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। सुबह सुबह मैं देखती हूं घर में मेरा खाना बन रहा होता है, हर घर में तकरीबन शीर खुरमा बन रहा होता है, और आज हमारे यहाँ भी शीर खुरमा ही बनेगा और देखेंगे कि सबसे अच्छा शीर खुरमा कौन बनाता है। तो चलिए अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ चलते हैं और उनको बोलते हैं कि वो अपनी अपनी नशस्तें संभालें और शीर खुरमा बनाना शुरू कर दें। हमारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपनी अपनी जगहों पर जा रहे हैं और शीर कोरमा अब ये बनाना शुरू करेंगे। ऐसे समीना, आप मेरा साथ दे और देखें कि किस तरह बना रही है। मजा आ रहा है कि ये देखूं कि क्या है, किस तरह से काम शुरू किया। अब ऐसे तो हम बना बनाए खा लेते हैं, अम्मी के हाथों का, अम्मी सुबह सुबह उठ के बना देती हैं और हमने उठना और खा लेना। मेरे ख्याल हर घर में सुबह सुबह बन रहा होता है ना, हर घर में सुबह सुबह, और हर घर का शीर कोरमा जो होता है उसका डिफरेंट स्टाइल होता है, हर घर का अलग बन रहा होता है ना, देखते हैं आज यहाँ क्या बन रहा है। बिल्कुल, हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स जो हैं उन्होंने शीर कोरमा बनाने का आगाज़ कर दिया है। अच्छा, यहाँ आपको एक और चीज़ भी मैं बताती चलूँ, डिफरेंट चीज़ें जो है वो मैं शामिल करती जा रही हूँ यहाँ पर, एक और चीज़ ही बता दूँ, चूँकि समीना मौसीकी जो है मौसीकी बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने देखा मौका, और ईद के मौके पर मौसीकी के बगैर कैसे रह सकते हैं। तो हमारे साथ आज बिल्कुल अच्छा खाना हमारे साथ यहाँ मौजूद है, एक बैंड मौजूद है आपका, मैं उनसे तारुफ भी करवा देती हूँ और उनका आपसे सॉरी तारुफ करवा देती हूँ और पूछती हूँ उनसे कि आज वो हमें कौन सा गाना सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक। मतलब एक डिफरेंट सा माहौल है यहाँ पर, सब जगह वो कुकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ कुकिंग चल रही है, दूसरी तरफ मैं और समीना गप्पे मार रहे हैं, तीसरी तरफ आप हमें अच्छे अच्छे गाने सुनाएंगे। बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ईद मुबारक। फिलहाल चलेंगे अपने पार्टिसिपेंट्स की तरफ और देखेंगे और समीना से भी पूछेंगे कि क्या स्टार्ट लिया है इन्होंने। स्टार्ट ले चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सेवैयां जो हैं वो भूनी जा रही हैं। अच्छा। सेवैयों को भून के बना रही है ना। चलिए तो आज मैं भी सीख लूंगी कि किस तरह बनाया जाता है, अब तक तो मैंने मना बनाया खाया था। अच्छा, तो आप लोग कहाँ तक पहुँचे? यहाँ पर भी यही किया जा रहा है। आज समीना मुझे साथ साथ बताया तो सही, कौन किस तरह चल रहा है? नहीं बिल्कुल, मैं अभी तक तो सब सही चल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है मसला। बस हमने देखना यह है कि किसके हाथों में ज़्यादा टेस्ट है। ये बात बहुत अच्छी की कि वाकई। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या लगता है कि हाथ में जायका होता है या हाथ में जायका होता है? ये बात तो है, हाथ में जायका होता है। अच्छा, मैंने माना इस चीज़ को, अम्मी के हाथ में ज्यादा जायका, अम्मी के हाथ में, और ये तो एक रिवायत है, माँ के हाथ का जायका मुझे मशहूर है ये तो ना। बिल्कुल, क्या चीज़ पसंद है? अम्मी के हाथ के बने पराठे, अम्मी के हाथ की बनी। शायद इसकी वजह मेरा ख्याल ये है कि माँ बहुत दिल से बना के देती है अपनी औलाद। बिल्कुल, मेरा ख्याल है खवातीन तमाम दिल से बनाती है, लेकिन जो माँ होती है ना उसके जहन में बच्चे की पूरी नफ्सियात होती है और वो बच्चे को बहुत प्यार से बना के खिला रही थी। उसको पता है कि जो बच्चा उसको पसंद करता है चीज़ ना, वही इसको बना के खिलाती है, उसमें उसका प्यार शामिल होता है। ऑब्वियसली वो चीज़ उसके टेस्ट में दुगना इजाफा हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर देखते हैं, खैर ये हमारे लिए बना रही है, पता नहीं क्या टेस्ट होता है। नहीं, डेफिनेटली ये हाथ का जायका पता चलेगा। बिल्कुल, इससे हाथ का जायका पता चलेगा। चले, ये तो बन रही है चीज़ें, और मेरा ख्याल है वहाँ तो लंबा, मुझे लग रहा है काफ़ी काम हो चुका है उधर तो।
काफ़ी काम। बिल्कुल, ये बहुत आगे भाग गए। हाँ अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ कि कुकिंग में टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा बिल्कुल, आप काम करें किचन में काम रहें, ये नहीं कि आप सारा दिन जो है ना किचन में काम कर रहे, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक ये जिस तरह वर्किंग वुमेन्स है, जब तक ये लोग नहीं करेंगे उस तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता, घर को लेके चल ही नहीं सकते। बिल्कुल, इनसे चलते हैं, पूछते हैं कि किस तरह मैनेज करती हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है नाज़िम, तो यकीनन हम यहाँ से बात करेंगे उज़्मा से। उज़्मा भी क्योंकि हर वक्त काम में बिजी रहती है, वर्किंग लेडी है, कि उज़्मा किस तरह मैनेज करती है टाइम को? टाइम जो बस है, अगर आप मैनेज कर लें टाइम पहले से, डिसाइड कर लें आपको करना है, किसी का प्लानिंग कर लेना, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, ईजीली फिर आपका टाइम हो जाता है। इसी तरह समझ, और फिर आप ये सोचें ना कि आपको ये काम करना है, जब आप ये सोच लेने के प्लान कर लें तो जी आपको वो काम मुश्किल भी नहीं लगा, चाहे वो कुकिंग करनी हो या कोई भी बाहर का काम है। समीना, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हुआ, मैं किसी चीज़ का एक टाइम टेबल बना लूँ तो आगे पीछे हो जाता है। अच्छा नहीं, वो अभी तुम छोटी हो इसलिए शायद ऐसा वो कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन ये कि आप करते रहें काम, आपको मैनेजमेंट अच्छी आ जाती है, फिर मेरे ख्याल है वर्किंग वुमेन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर बन जाती है। अच्छा चले, लेकिन घर में मैं खवातीन जो बैठी हैं उनको मैं हरगिज़ बुरा नहीं कह रही, वो भी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन चूँकि वो घर में होती हैं थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है, बस ये बात। उनको ये होता है ना कि उनको कहीं बाहर निकलना नहीं होता, और जो वर्किंग वुमेन है उनके साथ ये होता है कि ऑफिस जाना है, काम करना, घड़ी पे हर वक्त नजर रहती है, घड़ी पे टाइम क्या हो रहा है, तो घड़ी को देख के चले, इंशाल्लाह काम सही होगा। बिल्कुल अच्छा, चलिए देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। यहाँ तो चीनी भी डालना शुरू हो गई है। चीनी, अच्छा आप पहले दूध को आपने बनाया, पकाया कुछ देर के लिए या नहीं? बॉयल, अच्छा बॉयल था, सही, तो फ्राई होगी जब। अच्छा अच्छा, अब ये चीनी डाल के आप कितनी देर बनाएंगे, पकाएंगे? चीनी डाल के 10 मिनट सी कुक होगा, थोड़ा सा थिक हो जाए। अच्छा अच्छा, थिक हो जाए। अच्छा चले, समझना इनसे पूछते हैं ये कहां तक पहुंची, आपने चीनी भी डाल दी? खामोशी के साथ काम हो रहा है यहाँ पर, क्या बात है, यहाँ खामोशी क्यों है इतनी? भाई इतना मौका है, आप लोग एंजॉय करें, कुकिंग तो कर भी रहे हैं उसके साथ एंजॉय करें, हमसे बातें करें। अच्छा समीना, यहाँ मैं पूछूंगी प्रेजेंटेशन का, प्रेजेंटेशन जो है वो कितनी वैल्यू रखती है? बहुत ज़्यादा, बल्कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ आपका काम करने का जो स्टाइल है वो भी बहुत काउंट होता है कुकिंग में। हम काम करें तो गंदगी ना हो, आप साथ ये बात नहीं कि मैं एक कुकिंग एक्सपर्ट होने के हवाले से बात कर रही हूँ कि नहीं जी मैं शो टीवी पे करती हूँ तो मुझे बहुत मैनेज तरीके से चलना पड़ता है, लेकिन नहीं, घर में भी खवातीन अगर मैनेज तरीके से चलेंगी और अपनी कुकिंग को प्रॉपर करेंगी और उसकी प्रेजेंटेशन करेंगी तो घर वाले तो प्रेजेंटेशन पे वो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा, तो दिल भी करेगा। डेफिनेटली जब चीज़ आपको नजर आ रही है कि बहुत खूबसूरत सी डेकोरेट हुई हुई है तो डेफिनेटली आपका दिल चाहेगा कि टेस्ट तो जरूर करके देखें, चाहे उसका टेस्ट कुछ भी हो, लेकिन प्रेजेंटेशन इज मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट।